Hello everyone, this is Rustam Khan from Integral Classes. Guys, today we are going to study about difference between mass and weight. So guys, mass and weight ऐसी quantities हैं जो कि पढ़ने में या फिर सुनने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन इनके बीच में बहुत सारे point of differences होते हैं, जैसे कि the mass of a body is the quantity of matter contained in it. तो जो mass है किसी भी body का, वो actual में quantity होती है उस matter की जो कि इसके अंदर present है. And the weight of a body is the force with which it is attracted towards the center of the earth. और weight क्या होता है? वो एक तरीके का force है, जो कि center of earth की तरफ लगता है. And guys, और भी बहुत सारे point of difference है between mass and weight. जैसे SI unit of mass is kilogram. जो SI unit है mass की, वो kilogram होती है. Whereas the SI unit of weight is newton. और weight की SI unit newton होती है. Second point है, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि वेट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. स्केलर क्वांटिटी मींस होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होती, जबकि वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों मैटर करती हैं. हमारा थर्ड पॉइंट है, द मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी जीरो. जो मास है किसी भी बॉडी का, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता. वेयर एज द वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी जीरो. तो किसी भी बॉडी का वेट जो है वो जीरो हो सकता है. सो गाइस, हमारा जो लास्ट पॉइंट है डिफरेंस का, दैट इज मास ऑफ अ बॉडी इज कॉन्स्टेंट. किसी भी बॉडी का जो मास है वो कॉन्स्टेंट होता है एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और ये प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता. वेयर एज द वेट ऑफ अ बॉडी इज नॉट कॉन्स्टेंट. तो किसी बॉडी का जो वेट है वो कॉन्स्टेंट नहीं होता है एंड चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और ये प्लेसेस के अकॉर्डिंग वेरी होता है. सो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स.